आदरणीय शिक्षक और मैम आप सभी को सादर प्रणाम। और आज मैं काफी दफन कर रहा हूँ सामने में जाना चाहता हूँ आप सभी कि अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर देश को आजादी दिलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1870 को पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई के घर हुआ। आजादी में अनेक अतुल्य योगदान की वजह से ही उन्हें भारत के राष्ट्रपिता से भी संबोधित किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन मुनाफत करने वाले नेता बनकर हुए। बाद में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को अहिंसात्मक तरीके से नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ भारत में सत्याग्रह और अहिंसा का तरीका अपनाया था। सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में महात्मा गांधी को उनके जयंती के दिन बड़े ही श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। अनेक जन्मदिवस के सारे विश्व में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के कारण भारत को विश्व पटल पर अहिंसा वाला देश कहा जाता है। पर आज कुछ नेता तथा राजनीतिक पार्टी सत्ता के लिए पाने के लिए दंगों जैसे अनेक कृत्यों का सहारा ले रही है या उन्हें समर्थन देने जैसी हिंसक घटनाओं में सहयोग कर रही है। इससे शायद भारत को अब विश्व पटल पर अहिंसा वाला देश बनाना उचित नहीं होगा। इसीलिए भारत में राजनीतिक सामाजिक आर्थिक या किसी भी तरह का सत्ता के लिए हिंसा करना जिंदा नहीं होगा। इसीलिए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा